हेलो एवरीवन, माय सेल्फ के और आज के इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे सिंपल स्ट्रेस इन स्ट्रेन। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं, कोई भी मटेरियल की जब अपन बात करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं, है ना। स्ट्रेंथ क्या होती है? तो यदि आपकी स्ट्रेंथ क्या होती है, आपको यदि कोई काम बोला जाए और आप बिना किसी डिफॉर्म हुए, यानी बिना किसी आपको खुद को नुकसान पहुंचे, आप उसको कर लो, ठीक है, या फिर उसको अपोज़ कर लो। यदि आपको कोई धक्का मार रहा है, ठीक है, तो आप बिना गिरे जब तक उसको रोक पा रहे, वो आपकी क्या होगी? स्ट्रेंथ होगी। यदि मटेरियल की बात करूँ तो मटेरियल में क्या होगा? द रेजिस्टेंस बाई विच मटेरियल ऑफ द बॉडी अपोज द डिफॉर्मेशन इज नोन एज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। यानी कोई मटेरियल है जिस जितना रजिस्ट कर सकता है, ठीक है, जितना वो अपोज कर सकता है किसी दूसरी चीज़ को, वो उसकी क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है। देखो, इसी से बना हुआ है स्ट्रेस। स्ट्रेंथ से ही रिलेटेड करके अपन पढ़ते हैं स्ट्रेंथ को, कि द रजिस्टेंस ऑफ फोर्स, द रजिस्टेंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। यानी कि स्ट्रेस क्या होगा? कि किसी बॉडी का रेजिस्टेंस, कितने फोर्स को वो रजिस्ट कर सकता है पर यूनिट एरिया के अंदर, यानी इकाई क्षेत्रफल के अंतर्गत, वो अपना क्या होता है भाई? स्ट्रेस होता है। यदि मैथमेटिकली मैं बात करूं तो देखो, स्ट्रेस जब भी अपन बात करते हैं मैथमेटिकली, मतलब होता है फॉर्मूला वाइज, है ना। तो स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं अपन या तो सिग्मा से कर लेते हैं या फिर टी से कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फोर्स को किससे दिखाते हैं? एफ से और ए से। यदि स्ट्रेस की मैं बात करूं तो स्ट्रेस क्या होगा? फोर्स अपॉन में एरिया होता है, सिंपली मैथमेटिक्स। यदि मैं इसकी यूनिट की बात करूं, मात्रक की बात करूं, तो फोर्स का मात्रक क्या होता है भाई? न्यूटन, है ना, न्यूटन। और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो अपन क्या लिख सकते हैं? मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, या फिर केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी होगा, यूनिट का कुछ नहीं है, मतलब अपन को एक देख कहना है फोर्स की यूनिट लगेगी, फोर्स के बटे में क्या लगेगी? एरिया की यूनिट लगेगी। तो ये तो क्या होता है? सिंपल स्ट्रेस होता है। यदि मैं बात करूँ इसको एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये अपनी क्या होती है? SI यूनिट होती है। क्या होती है भाई? SI यूनिट होती है, इंडियन स्टैंडर्ड। ये यूनिट हो गई अपनी, ठीक है, SI यूनिट हो गई। अब SI यूनिट को यदि मैं कन्वर्ट करना चाहूँ, यदि इसको मैं न्यूटन पर सेंटीमीटर में करना चाहूँ, तो एक न्यूटन, अब मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं भाई? एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? एक मीटर में होते हैं भाई 100 सेंटीमीटर। कितने होते हैं भाई? 100 सेंटीमीटर। तो मैं इसको क्या कर दूँ? मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिखना है, तो 10^2 cm². तो ये क्या हो जाएगा? 1 N/10^4 cm². या फिर मैं इसको यदि सेंटीमीटर को भी यदि मैं एमएम में चेंज करना चाहूँ, या फिर मीटर को एमएम में चेंज करना चाहूँ, तो कितना होगा? 10^3 होता है भाई। एक मीटर में कितने एमएम होते हैं? 1000 mm होते हैं, सॉरी, कितने होते हैं भाई? 1000 mm होते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 10^3 mm, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? यदि 1 N/m² यदि लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल टू 1 N/10^4 cm² इक्वल्स टू 1 N/10^6 mm². तो ये सारी यूनिट क्या है? स्ट्रेस की ही यूनिट है। और 1 N/mm² को क्या कहा जाता है? मेगा पास्कल का है। क्या कहते हैं भाई? मेगा पास्कल कहते हैं। तो ये तो हो गई स्ट्रेस की कहानी। अब अपन बात करते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है। तो जब भी अपन ने किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, उस फोर्स की वजह से क्या हुआ? स्ट्रेस जनरेट हुआ, ठीक है। अब जब भी अपन फोर्स लगाते हैं तो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। स्ट्रेस कब जनरेट होता है? यदि जब अपन, एक बात बताइए कि आपको, सिंपल सा मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपको अब यदि बोला जाता है, ठीक है, कि आपको ये बोला जा रहा है कि बेटा आप यहाँ ये काम कर दीजिए, कोई भी एक छोटा मोटा घर का काम आपको बता दिया, तो आपने यदि इसको कर लिया, ठीक है, तो आपने यदि उसके अंदर कोई रुकावट पैदा नहीं करी, आपने, ठीक है, सिंपल सा बोला आपको फैमिली वालों ने और आपने कर दिया, तो इसके अंदर कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। लेकिन आपको कोई काम बोला, ठीक है, लेकिन आप उसको कर नहीं रहे हो,
ठीक है, आप उसको करना ही नहीं चाह रहे हो, यानी इंटरनल आपको रजिस्टेंस नहीं मिल रहा है। यदि आपने क्या कर दिया, उसमें रुकावट पैदा कर दी, तब आपका दिमाग क्या लेगा, स्ट्रेस लेगा, है ना। तो स्ट्रेन की बात करूँ, यानी कि फोर्स से जो भी डिफ्लेक्शन हो गया या फिर जो भी चेंज हो गया, जो डिफॉर्मेशन आ गया, ठीक है, यदि पर यूनिट लेंथ के अंतर जो क्या बोलता है, यदि आप इसको मैथमेटिकली बात करता हूँ, द रेशियो ऑफ चेंज इन द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ डायमेंशन, द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन इज नोन एज द स्ट्रेस, इज नोन एज, इसको लिख दो चाहूं तो, इज नोन एज स्ट्रेन। सिंपल यदि मैं बात करूँ, यदि कोई एक बार है, बार की बात करते हैं, जैसे कि ये कोई सिंपल मैंने एक बार बना दी, और बार की जो लंबाई है वो क्या है, एल है, बार की जो लंबाई क्या है, एल है, और यदि इस पर कोई अपन ने फोर्स लगाया, इसके ऊपर अपन ने कोई फोर्स लगा दिया, यानी कि एक टेंसाइल फोर्स लगाए, दोनों अगर पकड़ के खींच लिया, और उस खींचने की वजह से इसकी लेंथ क्या है, बढ़ गई थोड़ी सी, ठीक है, तो और ये बढ़ गई अपनी डेल एल, यानी कि डेल एल क्या बढ़ गई लेंथ, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ, चेंज इन डायमेंशन, तो जैन चेंज कितना हुआ भाई, डेल एल चेंज हुआ अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी एल, तो ये क्या हो जाएगा भाई, स्ट्रेन, ये क्या हो जाएगा भाई, स्ट्रेन, यानी कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन, या फिर लंबाई के अकॉर्डिंग बात करूंगा तो चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, यदि आप निकालना है तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा। अब बात रही रिप्रेजेंटेशन की, तो देखो इसको एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया जाता है, कई बार स्मॉल ई से भी कर देते हैं, ठीक है, या तो एप्सिलॉन से, ठीक है, ये ई का ई टाइप होता है, ये ई को ही थोड़ा सा राउंडेड बना देना है इस तरह से, एप्सिलॉन, ठीक है, तो या तो एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर इसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। बात करते हैं यूनिट की, तो देखो लंबाई के अंदर चेंज हुआ तो वो भी किस में होगा, एमएम में या मीटर में, किसी में भी हो सकता है ना, एमएम में या मीटर में, उसी तरह से टोटल लंबाई भी किस में होगी, एमएम में या मीटर में, तो एमएम में या फिर मीटर में, तो ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यानी इसकी यूनिट क्या रहेगी, ये क्वांटिटी कैसी है, यूनिट लेस है, यानी ऊपर जो यूनिट थी वही नीचे आ गई, तो ऊपर से नीचे वाली कट गई, तो ये क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो, यानी जिसका कोई मात्रक ही नहीं है, यानी सिंपल एक रेशियो के अंतर्गत दी जाती है, तो वो क्या कहलाती है अपनी, यूनिट लेस, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया, तो स्ट्रेस हो गया, और चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ के अपना क्या हो गया भाई, स्ट्रेन हो गया, सिंपल सा। तो स्ट्रेन कैसी है, एक यूनिट लेस, या फिर इसको अपन ले सकते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो स्ट्रेन क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक। तो यहाँ तक तो मेरे हिसाब से सबको क्लियर है स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है। अब आगे अपन पढ़ते हैं कुछ और चीज़ें, जैसे कि स्ट्रेसेस बात करेंगे अपन, मेटल्स की बात कर लेते हैं, पहले अपन मेटल्स की बात करते हैं, अपन पहले स्ट्रेसेस की भी बात कर लेते हैं, स्ट्रेस के टाइप कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखो टाइप ऑफ स्ट्रेसेस कैसे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से उसके ऊपर लोड को लगा रहे हो, यानी किस तरह से आप उसको फोर्स को अप्लाई कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, ये कोई एक बॉडी है, ठीक है, ये क्या है, एक कोई बॉडी है, ये सिंपल मैंने एक बॉडी बना दी, और इसकी ये क्या है, लंबाई है, ये क्या है भाई, इसकी लंबाई है, ठीक है सर। तो जो लंबाई के अकॉर्डिंग अलोंग द लेंथ जो एक्सिस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं भाई, एक्सियल, क्या बोलेंगे, या तो एक्सियल बोलेंगे अपन, या फिर लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, या तो एक्सियल बोलेंगे या फिर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस बोलेंगे। अब इसके अलावा ऊपर जो, जैसे कि ये वाली डायरेक्शन रहेगी इसकी, ठीक है, या फिर ऐसे जो डायरेक्शन रहेगी उनको अपन क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स, क्या बोलते हैं भाई, ट्रांसवर्स, ठीक है, या फिर अपन बोल देते हैं इसको लैटरल,
लेटरल, यानी कि जो एक्सियल डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर, उसके लंबवत। और जैसे अब कोई भी एक मटेरियल रहेगा जिसमें 3D की बात करूँ, ठीक है, अभी एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ 3D के अंतर्गत। ये एक बार है, ठीक है, तो ये एक बार दिख रही है आपको, और इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई ऐसे है। तो इसको तो मैंने क्या कह दिया, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कह दिया, इसको तो मैंने क्या कह दिया, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अब जो ऊपर की जो सरफेस है, और एक ऊपर की और एक ये इधर वाली है ना, ये जो दो सरफेस रहेंगी ये क्या कहलाएंगी, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ स्ट्रेसेस के बारे में, अगेन मैं लौट के आता हूँ। जैसे ये कोई बॉडी है, अब इस एक्सिस के अकॉर्डिंग अपन ने इसके ऊपर क्या लगा दिया, कोई लोड लगा दिया। चाहे तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों तरफ से इसको बाहर की तरफ खींच रहा हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया, दोनों तरफ से इसको पुल किया, खींचा। यदि दोनों तरफ से आप बाहर की तरफ खींचोगे तो लंबाई क्या होगी, इसकी बढ़ जाएगी, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। और यदि बाहर की तरफ खींचते हैं तो इसको अपन क्या कह देते हैं भाई, टेंसाइल, क्या बोल देंगे भाई, टेंसाइल। यदि बाहर दोनों तरफ अपन बाहर पकड़ खींचते हैं तो उसके अंदर एक टेंशन फोर्स जनरेट होगा, और इससे जो स्ट्रेस जनरेट होगी वो क्या होगी, टेंसाइल स्ट्रेस होगी। वहीं यदि मैं क्या करूँ, इसको दोनों तरफ से मैं दबा दूँ, अंदर की तरफ दबाऊँ दोनों तरफ से, ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होगा, इसके अंतर्गत एक कंप्रेशन जनरेट होगा, और जो स्ट्रेस जनरेट होगी वो क्या होगी, कंप्रेसिव, क्या होगी भाई, कंप्रेसिव स्ट्रेस इसके ऊपर जनरेट होगी। भाई यदि बाहर की तरफ खींच रहा हूँ तो टेंशन हो जाएगी, और यदि अंदर की तरफ दब रहा हूँ तो कंप्रेसिव स्ट्रेस बन जाएगी। लेकिन ये किस कौन सी डायरेक्शन के अंदर हो रहा है सारा कहानी, एक एक्सियल डायरेक्शन के अंतर्गत हो रहा है। तो जब भी अपन बात करेंगे तो एक्सियल स्ट्रेसेस की, क्या बात कर रहा हूँ भाई मैं, एक्सियल स्ट्रेस की जब मैं बात करूँगा तो उसके अंदर कौन कौन सी आएंगी, दोनों आएंगी, एक तो टेंसाइल आएगी और एक कंप्रेसिव आएगी। यानी कि एक्सियल डायरेक्शन के अंतर्गत यदि अपन उसके ऊपर या तो पुल किया या फिर पुश किया, तो उस दोनों ही केस के अंदर कौन सी स्ट्रेस जनरेट होंगी, एक्सियल स्ट्रेसेस जनरेट होंगी। ये दोनों तरफ पुल करेंगे तो टेंसाइल हो जाएगी, पुश करेंगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेस हो जाएगी। वहीं मैं बात करता हूँ कि इसको मैंने लोड को ट्रांसवर्स डायरेक्शन से लगाया। ट्रांसवर्स का मतलब ये कोई बॉडी है, इस बॉडी के मैंने सरफेस पे, ठीक है, इस तरह से मैंने क्या लगाया, कोई फोर्स लगाया, यानी इस पे ये बॉडी है, इस पे ऐसे में फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो ये तो एक्सियल है और ये इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, ट्रांसवर्स हो गई। या फिर अपन ऐसा कह सकते हैं कि ये कोई बॉडी है, इस बॉडी में मैंने यहाँ पर एक लोड लगाया, अब इस लोड की वजह से क्या होगा, ये बॉडी कट गई, मान लिया ये बॉडी कुछ इस तरह से, जिधर का जो लोड था वो दब गया, ठीक है। तो ये जो लोड लगा यहाँ पे इन सरफेस के बीच में, ठीक है, तो ये क्या है, एक स्पर्श रेखीय बल है, या फिर टेंजेंशियल वर्स है, क्या है, टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर कोई स्ट्रेस लग रहा है, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंतर्गत कोई बल लगता है तो उसको अपन क्या कह देते हैं, शियर फोर्स, और जो स्ट्रेस का नाम दे देंगे अपन शियर स्ट्रेस, क्या दे देंगे भाई, शियर स्ट्रेस। तो अभी अपन ने तीन टाइप की स्ट्रेस यहाँ पे पढ़ ली भाई, एक तो एक्सियल डायरेक्शन के अंतर्गत जो स्ट्रेस लगती हैं उसमें यदि दोनों तरफ पुल किया तो टेंशन स्ट्रेस हो जाएगी, दोनों तरफ से पुश किया तो क्या हो जाएगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस हो जाएगी, और यदि शियर लगा यानी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन यानी टेंजेंशियल डायरेक्शन के अगेंस्ट में जो लगा तो उसको अपन क्या कह देते हैं भाई, शियर स्ट्रेस कह देते हैं, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। इसके अलावा यदि कोई चीज़ है, कोई मटेरियल है, ये मटेरियल है, इस मटेरियल के ऊपर कोई प्लेट लगा दी अपन ने और इसके ऊपर अब कोई लोड लगा दिया, तो यानी ये पूरा पोर्शन क्या हो रहा है, दब रहा है इससे, ठीक है। तो यहाँ जो स्ट्रेस जनरेट होती है उसको अपन बोल देते हैं बियरिंग स्ट्रेस, क्या बोलते हैं भाई, बियरिंग स्ट्रेस, यानी कितना ये सहन कर पा रही है उसको अपन क्या बोल देते हैं भाई, बियरिंग स्ट्रेस बोल देते हैं। और एक स्ट्रेस और पढ़ते हैं अपन नॉर्मली, टॉर्जनल स्ट्रेस, क्या पढ़ते हैं भाई, टॉर्जनल स्ट्रेस। तो टॉर्जनल का मतलब क्या होता है, यानी देखो अब यही बॉडी है, इसी बॉडी को मैं अगेन बना लेता हूँ यहाँ पे, ये एक बॉडी है, इसको भी अपन 3D में बना लेते हैं, ठीक है, ये एक बॉडी बना दी मैंने, और ये इसका जैसे कि सेंटर है, इस बॉडी का जो सेंटर है वो यहाँ से है, ठीक है। और यदि मैंने क्या किया, इस कॉर्नर पे इसके पे फोर्स लगाया, इस कॉर्नर पे फोर्स लगाया,
यदि ये बॉडी है, ये बॉडी है, इस बॉडी के मैंने इस कॉर्नर पर फोर्स लगा दिया, जैसे ये दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे यदि मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो ये क्या करेगा, इसको इसके नीचे रोटेट कर रहा है। देखो इस पर मैंने फोर्स लगाया तो इसको क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, इसको एक ट्विस्ट कर रहा है ना। तो ट्विस्टिंग की वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होता है उसको अपन क्या कह देते हैं भाई, टॉर्जनल स्ट्रेस। यानी कोई भी जो बॉडी है उसके जो सेंटर का जो एक्सेस है उस पर ना लगा के कुछ दूरी पर यदि आपने स्ट्रेस लगाया तो उसको क्या घुमाने की कोशिश करेगा इस तरह से, तो वो क्या हो जाता है भाई, टॉर्जनल स्ट्रेस हो जाता है। एक स्ट्रेस और पढ़ लेते हैं अभी, हाँ पढ़ ही रहे हैं। तो एक होता है अपना बेंडिंग स्ट्रेस। क्या होता है भाई, बेंडिंग स्ट्रेस। तो देखो बेंडिंग से क्या समझते हैं अपन भाई, मान लिया कोई एक बीम है, बीम है यानी कोई मटेरियल, मान लिया मैंने बीम है, इसको मैंने यहाँ पे सपोर्ट लगा दिया नीचे से, और अब मैंने क्या किया इसके ऊपर से लोड लगाया। अब इससे मैं ऊपर से लोड लगाऊंगा तो बीम क्या करेगी, इस तरह से कुछ बेंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, बेंड हो जाएगी। अभी बेंड हुई तो देखो ऊपर तो क्या है, पास पास आ रहे हैं पार्टिकल्स, और इधर क्या है, दूर दूर जा रहे हैं दोनों ही, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस जनरेट होगी उसको अपन क्या कहते हैं भाई, बेंडिंग स्ट्रेसेस। यानी कि बेंड होने की वजह से जो स्ट्रेसेस जनरेट हुए हैं उनको अपन क्या कह देते हैं भाई, बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो ये नॉर्मल टाइप की स्ट्रेसेज अपन पढ़ते हैं, टेंसर स्ट्रेस पढ़ेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस पढ़ेंगे, शियर स्ट्रेस पढ़ेंगे, टॉर्जनल स्ट्रेस पढ़ेंगे, और बेंडिंग स्ट्रेसेस अपन पढ़ने वाला है, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना टाइप ऑफ स्ट्रेसेस। अब अपन बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की, जिनमें मटेरियल के बिहेवियर की भी बात करेंगे। उससे पहले अपन एक चीज़ पढ़ते हैं, इलास्टिसिटी, या फिर अपन पढ़ सकते हैं हुक्स लॉ। पहले हुक्स लॉ पढ़ लेते हैं, चलो ठीक है, अपन डालते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या है, देखो एक साइंटिस्ट हुए थे हुक्स, उन्होंने एक नियम दिया, लॉ का मतलब ये होता है हुक का नियम, है ना। तो हुक्स लॉ दिया उन्होंने, कहा कि जो स्ट्रेस है फोर ए, पहले पूरा सेंटेंस मान लेते हैं, फोर ए होमोजीनियस एंड आइसो होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। तो हुक ने क्या कहा भाई, कि यदि कोई मटेरियल है वो कैसा है, एक तो होमोजीनियस है और आइसोट्रोपिक है, तो उस मटेरियल के लिए जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्ट्रेन के, विद इन इलास्टिक लिमिट। अब इसमें तीन चार वर्ड नए नए आए, इनको अपन समझेंगे। पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिख लो भाई, स्ट्रेस को कैसे डिनोट करते हैं अपन, सिग्मा से। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, समानुपाती, किसके है, स्ट्रेन के। ये है अपना हुक्स लॉ, ये दिया था अपने हुक्स भाई साहब ने, ये लॉ दिया था हुक्स लॉ, ठीक है। अब उससे पहले समझते हैं कि इसने जो वर्ड यूज किए हैं होमोजीनियस, ठीक है, उसके बाद में मैं इस पर आऊँगा हुक्स लॉ पे अगेन। तो होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, देखो होमोजीनियस का मतलब होता है कि कोई एक मटेरियल है, ठीक है। अब जैसे वो मटेरियल किसी चीज़ का बना हुआ है और इस पूरे मटेरियल के भी पूरी बॉडी का जो हर एक पार्ट का, इनमें कंपोजिशन की बात करें, किस से बना हुआ है, ठीक है। इफ द मटेरियल हैव सेम कंपोजिशन देन इट विल बी होमोजीनियस। होमो का मतलब क्या होता है, एक जैसा, ठीक है। होमो का मतलब क्या होता है,
एक जैसा। यदि कोई मटेरियल है यदि सेम कंपोजिशन से बना हुआ है तो मटेरियल क्या कहलाएगा, होमोजीनियस कहलाएगा। यानी कोई मटेरियल है उसको आप कहीं से कोई टुकड़ा उठा लो उसका, ठीक है, उसका कंपोजिशन चेक करो तो वो सेम मिलेगा आगे दूसरे वाले को, तो अपन उस मटेरियल को क्या कहेंगे, होमोजीनियस है। उसी तरह से मैं आइसोट्रोपिक की बात करूँ, आइसोट्रोपिक, ठीक है, आइसोट्रोपिक का मतलब होता है यदि कोई मटेरियल है उसकी यदि तीनों डायरेक्शन की मैं बात करूँ, चाहे एक्स डायरेक्शन की बात करूँ, चाहे वाई डायरेक्शन की बात करूँ, चाहे जेड डायरेक्शन की बात करूँ, तो वो सेम प्रॉपर्टी देता है ऑल डायरेक्शन में, ठीक है। तो उसको अपन क्या कह देते हैं, आइसोट्रॉपिक। इफ ए मटेरियल शोज सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस, इट विल बी आइसोट्रॉपिक। तो वो क्या होगा भाई, अपना आइसोट्रॉपिक मटेरियल होगा, ठीक है। यदि कोई मटेरियल है उसकी यदि अपन हर एक डायरेक्शन की प्रॉपर्टीज़ को देखें और वो सेम प्रॉपर्टीज दे रहा है हर एक डायरेक्शन के अंतर्गत, तो वो मटेरियल क्या हो जाएगा, मेरा आइसोट्रॉपिक हो जाएगा, ठीक है। फिर अपन आते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो देखो प्रोपोर्शनलिटी का साइन ये आ गया, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और जब भी अपन इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाते हैं, यानी इस साइन को हटाते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, एक कांस्टेंट आ जाता है, वहाँ क्या हो जाता है, एक कांस्टेंट आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लिख दिया ई, ठीक है। तो सिग्मा बराबर क्या हो गया, ई एप्सिलॉन। और यहाँ पे ई जो है इसको बोला जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉडुलस, और यंग्स मॉडुलस, इसको क्या बोला जाता है भाई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहाँ से अपन ने जैसे प्रोपोर्शनल साइन को हटाया तो वहाँ पे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया, उस कौन जो कांस्टेंट यहाँ पे जो आया समानुपाती, है ना, समानुपाती दिशा में हटाया तो वहाँ पे एक नियतांक आएगा, उस नियतांक को अपन क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग्स मॉडुलस, ठीक है। अब देखो इसमें एक लाइन लिखी थी, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। अब इलास्टिक लिमिट क्या होगी, यानी जब भी अपन कोई मटेरियल के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसके अंतर्गत डिफॉर्मेशन आता है, और यदि इस फोर्स को मैं हटा दूं, ठीक है, तो वो क्या करता है, अपनी पुरानी कंडीशन में वापस आने लगता है एक लिमिट तक। यदि उस लिमिट से ज़्यादा अपन ने फोर्स लगा दिया तो वो अपनी पुरानी कंडीशन में वापस नहीं आ पाता है। तो जहाँ से वापस आ जाता है उसी को मैं क्या कह देता हूँ भाई, इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो ये हो गया अपना हुक्स लॉ, ठीक है। इसके दो अजम्पशन है, एक तो मटेरियल कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए और आइसोट्रॉपिक होना चाहिए, और कहाँ तक वैलिड है ये, इलास्टिक लिमिट या फिर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब भी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जहाँ तक सेम चल रहा है, यानी कि जैसे जैसे आप स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ाओगे, ठीक है, यदि इसका मतलब क्या समझे कि जैसे जैसे स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती जाएगी उसी तरह से स्ट्रेन की वैल्यू भी कंटिन्यूसली बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक, हुक्स लॉ। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल बिहेवियर, ठीक है, मेटल का बिहेवियर कैसा होता है। देखो पहला जो बिहेवियर की अपन बात कर रहे हैं, जैसे ये अपन ने बनाया एक ग्राफ, ठीक है, जिसमें मैं इधर तो ले रहा हूँ क्या स्ट्रेस को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से, और इधर ले रहा हूँ मैं स्ट्रेन, ठीक है। तो जैसे जैसे मैंने क्या किया, स्ट्रेस की वैल्यू को बढ़ाता गया, जैसे जैसे मैं स्ट्रेस की वैल्यू को बढ़ाता गया, स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ती गई एक उसी प्रोपोर्शनल के अंतर्गत, यानी कि जितना स्ट्रेस बढ़ रहा है उतना ही स्ट्रेन बढ़ जाता है। तो इसको मैं क्या कह देता हूँ भाई, लीनियर इलास्टिक, क्या कह दूंगा, लीनियर इलास्टिक। ये मटेरियल कैसा है भाई, लीनियर इलास्टिक है। लीनियर का मतलब एक लाइन बन रही सीधी, यानी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। तो
तो इस तरह का यदि मटेरियल बिहेवियर शो कर रहा है, जैसे जैसे आप स्ट्रेस की वैल्यू को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ रही है, तो उसको मैं क्या कह दूंगा, लीनियर इलास्टिक बिहेवियर है। यदि ये डायरेक्टली ऐसे लीनियर बिहेवियर में नहीं बढ़ती है, जैसे कि मैं इसको दूसरा डायग्राम बना लेता हूँ, यानी कि ये जो अभी कर्व शेप अपनी आ जाए, मान लिया कि सीधी ना आके कुछ इस तरह की आ जाए, ठीक है, अभी भी बढ़ तो रहा है, ठीक है, और इस मटेरियल में यहाँ तक स्ट्रेस लगाने के बाद यदि हटा दूँ वापस भी आ जाएगा, तो इस बिहेवियर को मैं क्या कह दूँगा, नॉन लीनियर इलास्टिक बिहेवियर, नॉन लीनियर इलास्टिक बिहेवियर। यानी कि जैसे जैसे आपने स्ट्रेस की वैल्यू को बढ़ाया, स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ तो रही है बट एक सेम डायरेक्शन, मतलब सेम अमाउंट में नहीं बढ़ रही है, तो उसको मैं क्या कह देता हूँ भाई, नॉन लीनियर बिहेवियर, ठीक है सर। उसके बाद यदि ग्राफ कुछ ऐसा ना मिले, यदि थर्ड कंडीशन में बनाता हूँ, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ये वही स्ट्रेस है, इसको स्ट्रेस को ऐसे बढ़ा देते हैं और ये एप्सिलॉन है, इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो स्टार्टिंग में तो क्या हुआ, ये मटेरियल कुछ इस तरह से गया, यानी इलास्टिक गया, और उसके बाद में क्या हो गया, स्ट्रेस की वैल्यू आप नहीं भी बढ़ा रहे हो फिर भी मटेरियल में लगातार कंटिन्यूसली आपको स्ट्रेन मिलता रहे, तो इसको हम कह देते हैं इलास्टोप्लास्टिक बिहेवियर, इलास्टोप्लास्टिक बिहेवियर, बिहेवियर, ठीक है, कैसे, यानी इलास्टिक भी है यहाँ से लेके यहाँ तक तो लीनियर इलास्टिक है, और उसके बाद सीधा ऐसे चला गया, तो उसको अपन क्या कह देते हैं, इलास्टोप्लास्टिक बिहेवियर। वहीं यदि ये मटेरियल क्या करता, इलास्टिक रीजन ही नहीं होता इसके अंतर्गत, यानी कुछ मटेरियल अपन ने पहले फोर्स लगाया उसके अंदर कोई स्ट्रेन नहीं हुआ, और एक सर्टेन लिमिट के बाद में ही इसके अंदर स्ट्रेन आने लगा। यदि इस तरह का यदि अपन को ग्राफ मिले तो उसको अपन क्या कह देते हैं, प्लास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक ही बोल सकते हो, परफेक्टली प्लास्टिक, ये कैसा हो जाएगा भाई, परफेक्टली प्लास्टिक, यानी कि पहले स्ट्रेस की वैल्यू अपन ने एक लिमिट तक बढ़ाया, उसी के बाद में उसके अंदर डिफॉर्मेशन आने लगा, तो अपनी क्या हो जाएगी, परफेक्ट प्लास्टिक, ठीक है। अब यदि एक मैं और डायग्राम बनाता हूँ, ये पांचवें नंबर का है, ठीक है, ये स्ट्रेस है और ये क्या है, स्ट्रेन है। आपने क्या लगातार आप लोड की वैल्यू बढ़ाते ही जा रहे हो, लोड की वैल्यू बढ़ाते ही जा रहे हो, आपने पहले यहाँ थे फिर और बढ़ा दी और बढ़ा दी और बढ़ा दी, और इस तरह का अपन को ग्राफ मिल रहा है, ठीक है, यानी जिसके अंतर्गत अपन को कोई स्ट्रेन मिल ही नहीं रहा, चाहे आपने कितना भी लोड लगा दिया, तो उसको अपन बोल देते हैं रिजिड। कैसा बोल देते हैं भाई, रिजिड, रिजिड का मतलब होता है जहाँ पे है वहीं के वैसा ही, कितना भी लोड लगा दो लेकिन इसके अंदर स्ट्रेन आ ही नहीं रहा, इसकी डायमेंशन चेंज ही नहीं हो रही, तो वो अपना मटेरियल क्या कहलाता है, रिजिड कहलाता है, ठीक है। उसके बाद यदि कोई ऐसा मटेरियल हो जिसके ऊपर आप कोई फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर आप कोई फोर्स लगा रहे हो और फोर्स बिना फोर्स लगाए ही वो क्या पूरी तरह से बहने लग जाए, एक तरह से स्ट्रेन आने लग जाए इस तरह का, इस पे हो जाए, तो उसको अपन क्या कह देते हैं, फ्लूड, फ्लूड। यदि पानी है, पानी के ऊपर अपन को स्ट्रेस लगानी पड़ती है, वो तो वैसे ही फ्लो करने लग जाता है ना, तो वो क्या हो जाता है अपना, फ्लूड। वहीं यदि अपन को कुछ और रीजन मिल जाए, इसको अपन फ्लूड कह सकते हैं, फिर आइडियल फ्लूड भी बोल सकते हो, आइडियल है ना, आइडियल फ्लूड, आइडियल फ्लूड हो गया, परफेक्टली रिजिड हो गया, परफेक्ट प्लास्टिक हो गया, आइडियल रिजिड को आइडियल रिजिड भी बोल सकते हैं, यदि इसके अंदर कोई डिफॉर्मेशन नहीं आ रहा है तो आइडियल रिजिड भी बोल सकते हैं। और एक कंडीशन और बना देते हैं, अभी यहाँ पे छः हो गए ना, सात कंडीशन, यदि आप किसी मटेरियल के ऊपर पहले अपन ने इस तरह का लीनियर स्ट्रेन मिला और फिर इस तरह का मिला डायग्राम, यानी कि यहाँ तक तो इलास्टिक और फिर इलास्टोप्लास्टिक, तो इसको अपन कहते हैं, ये अपना स्ट्रेस हो गया, ये अपना स्ट्रेन हो गया, इलास्टोप्लास्टिक, क्या बोलेंगे इसको, इलास्टोप्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग, हार्डनिंग,
यानी कि डिफॉर्मेशन प्लास्टिक तो है, लेकिन जैसे आप स्ट्रेस की वैल्यू नहीं बढ़ाओगे तो डिफॉर्मेशन आना बंद हो जाएगा। तो स्ट्रेन कंटिन्यूसली तभी बढ़ेगा जब अपन स्ट्रेस की वैल्यू को कंटिन्यूसली इंक्रीज करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे मटेरियल हर अलग अलग तरह का बिहेवियर शो करते हैं। तो पांच बिहेवियर आपको याद रखने, यदि स्ट्रेस की वैल्यू मैं बढ़ाता हूँ और जैसे जैसे स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ जाती है, तो उसको मैं कह देता हूँ लीनियर इलास्टिक है। यदि इसमें भी यदि कोई मटेरियल है जिसमें मैंने स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ाई लेकिन जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है लेकिन लीनियर नहीं ग्राफ, यानी कि स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व से पेरी मेरे को मिल रही है, तो नॉन लीनियर इलास्टिक हो जाएगा। यदि कोई मटेरियल ऐसा है पहले तो इलास्टिक की तरह बढ़ता है फिर परफेक्टली प्लास्टिक हो जाता है। ठीक है, यानी कि आप स्ट्रेस की वैल्यू मत बढ़ाओ तो भी स्ट्रेन की वैल्यू कंटिन्यूसली आपको मिलती रहेगी, तो इलास्टिक प्लास्टिक बिहेवियर हो जाएगा। या फिर कोई मटेरियल ऐसा है पहले अपन ने कोई स्ट्रेन लगाया जीरो लगाया तो कुछ नहीं हुआ, एक सर्टेन लिमिट के बाद में उसमें डायरेक्टली स्ट्रेन मिलने लग जाए तो उसको अपन परफेक्टली प्लास्टिक बोल देंगे। उसके बाद कोई एक ऐसा मटेरियल हो जिसके अंतर्गत आप कितना भी लोड लगा लो उसके अंदर कोई स्ट्रेन ही नहीं आ रहा, उसके अंदर कोई डिफॉर्मेशन ही नहीं आ रहा, तो वो आइडियल रिजल्ट हो जाएगा। एक ऐसा मटेरियल जिसमें आप मामूली सा या नेग्लिजिबल स्ट्रेस भी लगाओ और उसके अंदर परमानेंटली क्या होने लग जाए डिफॉर्मेशन हो जाए, उसको अपन आइडियल फ्लूड कह देंगे। और एक ऐसा रीजन जिसके अंदर पहले इलास्टिक जाता है इलास्टिक रेंज तक, तो उसके बाद में यदि आप स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ाते हो तो परफेक्टली की तरफ थोड़ा ऊपर की तरफ जाता है स्ट्रेन हार्डनिंग के साथ में, तो उसको अपन कहते हैं इलास्टो प्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग। ठीक है, तो ये सारे मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ हो गई यहाँ पर।